Subscribe my channel Disclose for Human and press the bell icon to get the notification of my new uploaded video. Hello nation, welcome to my channel Disclose for Human. तो इस वीडियो में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के तरफ से, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है एंड बी बीटेक एंड डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 870 एंड इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2019। तो चलिए मेरे वेबसाइट पे जाके इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मैं आ गया मेरे वेबसाइट पे। इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन करके प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस पेज पे आ जाइए। तो इस पेज पे आके ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो क्विकली मैक्सिमाइज इट एंड गो थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने बोला ये पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट है, तो ये पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट है फ्रॉम कर्नाटक स्टेट। तो इसमें जो वैकेंसी है वो सिविल इंजीनियर के लिए है। तो असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड वन पे आप का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 570, जिसमें अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर मैनेजमेंट और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मतलब आपका सिविल इंजीनियर के जो एलाइड ब्रांचेस है, अगर उसमें से आप बी और बीटेक कर चुके हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सिविल में 300 एंड इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना जरूरी है फ्रॉम कर्नाटक बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया है कि जूनियर इंजीनियर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना होगा फ्रॉम कर्नाटक गवर्नमेंट। तो ये एक यहाँ पर क्राइटेरिया है। अगर आपके पास बी और बीटेक है तो आप इंडिया के कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में चले जाते हैं। तो देखिए नीचे एकदम दे दिया है, कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी नंबर दे दिया है, तो एकदम आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन आपका एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। तो क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो जीनाइल नॉलेज से रहेगा 100 मार्क्स और एग्जाम होगा 2 घंटे का। नेक्स्ट पेपर होगा टेक्निकल पेपर, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होगा आपका 100 एंड 2 आवर्स का ये एग्जाम होगा। और ये दो होगा एमसीक्यू टाइप का, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन। थर्ड जो एग्जाम होगा वो होगा कनाडा लैंग्वेज का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होगा 100 एंड टाइम होगा 2 घंटे का, मगर ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिटेन पेपर होगा। तो देखिए ये थर्ड पेपर जो है ये सबके लिए नहीं है, जिसके 10th और SSLC या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम में यहाँ पर देखिए लिखा है कनाडा लैंग्वेज नहीं था, उसके लिए ये एग्जाम है। तो आपको मतलब अगर आप कर्नाटक से बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको कनाडा लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब बेसिक लैंग्वेज आना चाहिए, इसीलिए एग्जाम है। तो अगर आप इसमें पास करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में चले जाते हैं पे स्केल। तो पे स्केल देखिए असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड वन के लिए पे स्केल ये आपका पे स्केल दे दिया है, तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है। और जूनियर इंजीनियर के लिए ये आपका पे स्केल होगा। तो अभी देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन फी कितना है। तो 500 रुपीज है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड वन पोस्ट के लिए और 300 रुपीज है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। और SC ST के लिए कोई आपका एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जिसको अप्लाई करना है वो मेरे वेबसाइट पे आ जाइए। इस पेज पे आके आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन का पेज में चले जाएंगे। उसके बाद बस आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। So that's it guys, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। Best of luck guys, if you like this video hit the like button and share this video for the other aspirants and comment for any type of query and subscribe my channel for getting this type of video in future. Thank you.